हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरके लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट को इस समय पर हम विजिट कर रहे हैं और आज डेट है 14 जून 2022। तो फ्रेंड्स, आज ट्यूजडे के दिन डीओई की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर बड़ी खुशी की अपडेट जारी की गई है, काफी अच्छी खुशखबरी जिसे आप कह सकते हैं, जो कि टीचिंग रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। अगर आपने डीट प्लस बी की टीचिंग रिक्रूटमेंट में अप्लाई किया है तो ये अपडेट आप सब के लिए ही है, क्योंकि फ्रेंड्स डीओई के द्वारा डीट प्लस बी की टीचिंग रिक्रूटमेंट की एक अच्छी अपडेट आज जारी की गई है। अभी अभी इस नोटिस को, इन ऑर्डर्स को जारी किया गया है। तो आइए हम एक बार वेबसाइट को विजिट करके चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप खुद से भी किसी अपडेट को चेक करना चाहते हैं तो पब्लिक सर्कुलर वाली इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जो भी ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है न्यू बॉक्स में, ये आपकी न्यू अपडेट्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपकी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जो भी अपडेट होती है उसे आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 14 जून 2022 के ये टीचिंग रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट जारी की गई है, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी संस्कृत और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रिगार्डिंग। तो आइए नोटिस को एक एक करके हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं 14 जून 2022 की लेटेस्ट अपडेट है। डेट आप लोग यहां देख सकते हैं 14 जून 2022। अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी किए गए हैं किस पोस्ट के रिगार्डिंग, फ्रेंड्स वो आप देख लीजिएगा। टीजीटी इंग्लिश फीमेल, पोस्ट कोड है यहां पर ये 05/13 और पे स्केल आपका ये यहां बता दिया गया है। पोस्ट का ग्रेड पे जो भी है वो सब दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जब आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया था, आपने उसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद यहाँ आपका मेडिकली एग्जामिन किया गया, जो भी आपको कंसर्न हॉस्पिटल गया था इसमें आपको फिट डिक्लेयर कर दिया गया है और आपकी जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है आपके ईडोजियर में वो सबमिट कर दी गई है। तो अब आपको डायरेक्टेड किया गया है रिपोर्ट करने के लिए जो भी आपका पोस्टिंग प्लेस है। डेट आपकी जो लेटेस्ट डेट है ये 14 जुलाई 2022 आपकी ये डेट दी गई है रिपोर्ट करने के लिए जो भी आपका पोस्टिंग प्लेस है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आप यहाँ पर रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिपोर्ट करने में समय पर आप फेल रहते हैं, तो आपकी अपॉइंटमेंट को यहाँ कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के। एम्प्लॉय का नेम आपका यहाँ ये दे दिया गया है, सविता सिंह कादियान, ये रोल नंबर आपका है, पोस्ट आपकी टीजीटी इंग्लिश, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी ओबीसी और पोस्टिंग कहाँ पर हुई है ये आपका प्लेस दे दिया गया है, कोटकला रोहिणी एक्सटेंशन सेक्टर 20, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दे दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप गिवन टाइम पीरियड में पोस्टिंग प्लेस पर रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट नोटिस को अब हम चेक कर लेते हैं। और फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं ये भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया गया है, अभी इस ऑर्डर को जारी किया गया है। ये है टीजीटी संस्कृत मेल के रिगार्डिंग, पोस्ट कोड है 116/12, 116/12 ये पोस्ट कोड है। आपका पे स्केल, ग्रेड पे वगैरह ये सब यहाँ बता दिया गया है और इन कैंडिडेट का भी इसी तरह से टर्म और कंडीशंस के अकॉर्डिंग इनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया गया था, फिर इन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, उसके बाद इनका मेडिकली एग्जामिन किया गया और इनकी जो इंडिविजुअल रिपोर्ट है उसको ईडोजियर में सबमिट कर दिया गया। इसके बाद अब इनको डायरेक्टेड किया जाता है रिपोर्ट करने के लिए जो भी इनका पोस्टिंग प्लेस है। 14 जुलाई 2022 का आपका ये लेटेस्ट टाइम दिया गया है रिपोर्ट करने के लिए पोस्टिंग प्लेस पर। अगर आप यहाँ फेल रहते हैं तो आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट एनी फर्दर कम्युनिकेशन। और एम्प्लॉय का नेम आप ये देख सकते हैं, अखिलेश कुमार शर्मा, पोस्ट है आपकी टीजीटी संस्कृत, डेट ऑफ बर्थ आपकी ये यहाँ बता दी गई है फ्रेंड्स, और कैटेगरी है आपकी जनरल, पोस्टिंग कहाँ पर हुई है, टैगोर गार्डन, ये आपका पोस्टिंग प्लेस दे दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने गिवन टाइम पीरियड में यहाँ पर रिपोर्ट जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट नोटिस को देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे नोटिस अभी अभी डीओई के द्वारा अपडेट किए गए हैं वेबसाइट पर और जिसको हम साथ के साथ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशी की खबर होती है। कैंडिडेट्स को बहुत बेसब्री से इन अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स का इंतजार होता है, क्योंकि एक कड़ी मेहनत के बाद एक कैंडिडेट इस मुकाम तक पहुंचता है कि उसको अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं ये भी जस्ट अभी की अपडेट है और असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रिगार्डिंग ये यहाँ अपडेट है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर ये जारी किए गए हैं। ये कैंडिडेट का नेम यहाँ बता दिया गया है, एम्प्लॉय आईडी दे दी गई है और इनको यहाँ पर प्योरली ऑन प्रोविजनल बेसिस टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर प्राइमरी ये इनको अपॉइंटेड किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और पे स्केल, आपका ग्रेड पे, ये सब यहाँ बता दिया गया है। तो आपको भी डायरेक्टेड किया गया है रिपोर्ट करने के लिए
पोस्टिंग प्लेस पर, जो भी आपका पोस्टिंग प्लेस है, 14 जुलाई 2022 का आपका ये लेटेस्ट टाइम दिया गया है। अगर आप यहाँ पर समय पर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा बिना किसी फर्दर कम्युनिकेशन के। तो आपका देखिए यहाँ पर नेम, आपकी एम्प्लॉय आईडी, आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हुई है वो प्लेस, और पोस्ट आपकी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, तो ये सारी चीजें यहाँ बता दी गई है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके भी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए हैं। और ये जो ऑर्डर्स होते हैं इंडिविजुअली जारी किए जाते हैं, ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर आप देख सकते हैं असिस्टेंट टीचर प्राइमरी के रिगार्डिंग, ये डिफरेंट कैंडिडेट के डिफरेंट अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी किए गए, क्योंकि इनको इंडिविजुअली जारी किया जाता है। और आपकी इंडिविजुअल आईडी, पोस्टिंग प्लेस, ये सब यहाँ बता दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने गिवन टाइम पीरियड में आप यहाँ पर जरूर से जरूर रिपोर्ट कीजिएगा ताकि आपका सिलेक्शन पॉसिबल हो सके। और फ्रेंड्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, चाहे वह DSSB की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है या फिर KVS, NVS या ऑल ओवर इंडिया से टीचिंग रिक्रूटमेंट की कोई भी अपडेट हो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, आज और अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।